जी सबको आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यूट्यूब पर लकी ब्लॉग कौन आपका ब्लॉग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपना लकी ब्लॉग भी गेम के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक बताने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो पूरा एंड तक देखना। लेट्स गो। नए नए यूट्यूबर्स के भी लकी ब्लॉग्स आप लोगों को यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे कि PSG1 लैप इज बल्की शार ड्रीम वॉइस एंड फायर स्मार्टीफाई एंड SUY। सॉरी मैं कहा था, यहाँ पे बहुत सारे लकी ब्लॉग्स हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये सब अलग अलग चीज़ों से बनते हैं, जैसे कि मेरा वाला नेदराइट से बनता है। भाई आप लोग को कैसे अपना कस्टम लकी ब्लॉग ऐड करना है मैं वो वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। पहले मैं आप लोग को इसकी क्राफ्टिंग रेसिपीज बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ अपना क्राफ्टिंग टेबल। जिस भी चीज़ का आप लोग को लकी ब्लॉग बनाना है उस चीज़ को सबसे पहले तो अपने इन्वेंट्री में लेके इसे मतलब इसे क्राफ्टिंग रेसिपी में रख के इसे चारों साइड घुमा के ऐसा बन जाएगा। जैसे कि डर्ट से कॉपी भाई का बनता है, कॉपी भाई नाराज मत होना प्लीज़ भाई, हेलो कमते भाई मत करो। आप नेदराइट से देख सकते हो, नेदराइट को आप लोग चारों ओर रखोगे क्योंकि मैं रखता हूँ। आई डोंट नो ये महंगा वाला लकी ब्लॉक है थोड़ा सा, बट आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। हम लोग क्रिएटिव से ले लेना है भाई, मतलब हो सकता है भाई आप लोग को नेदराइट तो भाई उससे मिल जाता है ना, उन लोग का डायमंड लकी ब्लॉक से भी, तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हो। ये कॉपी भाई और ये मेरा लकी ब्लॉक, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों लकी ब्लॉक देख सकते हो, टेक्स्चर्स मैंने ही डिज़ाइन किए हैं। एंड सबसे पहले इस वाले लकी ब्लॉक को तोड़ के देखते हैं क्या मिलता है इसके अंदर से। वही फालतू सामान भाई साहब, कुछ मिला ही नहीं, नेदराइट का ही नहीं मिला भाई, मतलब कैसे लकी ब्लॉक का। ओके मेरा लकी ब्लॉक तो फालतू था। अब कोबी भाई का टेस्ट करते हैं, कोबी भाई का देखते क्या है इसके अंदर। ओ भाई भाई कोबी भाई धोखा दिए, गिरफ्तारी कर रहे। ओके सो यहाँ पे देख सकते हो और भी लकी ब्लॉक्स हैं। सेनपाई का है शलकर शैल भाई, क्या ही बोलूँ मैं। ओके सो इसका इसमें भी कुछ नहीं है। मौसी दिया पी एच डी भाई कुछ देंगे भाई, पी एच डी भाई से बहुत उम्मीद है भाई। पी एच डी भाई पिस्टन दे रहे भाई, अब मैं उनका फ्लाइंग हाउस थोड़ी बनाऊँगा। एस जी ओ भाई किसी का तो लकी ब्लॉक खा गया, अब पता नहीं मेरे को। डर्ट का है तो पक्का कॉपी भाई का लकी ब्लॉक खाए। और ये देखो भाई स्मार्टी भाई जैसे बनो भाई सब लोग। ये देखो स्मार्टी भाई ने बढ़िया नेदराइट का आर्मर दिया हम लोग को। अब खोलते हैं अंशु बिष्ट भाई का, इसने घड़ियाँ दी भाई, समय की कीमत नहीं रखता, मैं सारा दिन गेम खेलता रहता हूँ। अबे लैपिस भाई तुम, अबे वो तो बच गया। अब स्मार्टी भाई गई, चार खुल के देखते भाई इसमें से क्या मिलेगा। ओके कुछ नहीं मिला। गोल्डन ब्रेकर ये देख सकते हो, लकी ब्लॉक के अंदर से लकी टूल्स मिलने के चांसेस भी होते हैं, बहुत कम होते हैं उसके चांसेस, पर मेरे को मिल चुका है, आप लोग को भी मिल सकता है। तो ये आप लोग खेल सकते हो इसको। अगर मैं ऐसे एक तोड़ूंगा तो भाई हज़ारों टूट जाएंगे भाई, देख सकते हो ऐसे करके। और यहाँ पे फॉक्स वॉक स्पॉन हो रहा है, मेरे को इतना ज़्यादा यूज़ करने आया नहीं इसको, मैंने बस डाल दिया है। ओके तो बस मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि लकी ब्लॉक मॉड कैसे डाउनलोड करते हो। अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि लकी ब्लॉक मॉड आप लोग अपने गेम के अंदर अपना वाला कस्टम कैसे डाल सकते हो। तो लेट्स गो। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बहुत ज़्यादा फास्ट बताने वाला हूँ, आप लोग वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो। आप लोग को पिक्सल ऐप अपना ओपन करना है, यहाँ पे इमेज की साइज़ होनी चाहिए 128x128 पिक्सल्स होनी चाहिए। एंड आप लोग को इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है, आप लोग को नई पिक्चर इमेज करनी है। मतलब मैंने आप एक AI जनरेटेड इमेज ली है, आप लोग को अगर नहीं आती तो मैं आप लोग को एक भी सेपरेट वीडियो बना लूँगा। देन आप लोग को एक क्वेश्चन मार्क का PNG आप लोग को डाउनलोड कर देना है। मेरे को PNG मिला नहीं तो मैंने यही वाला डाउनलोड कर लिया। इस पर मैं इरेज कलर लगा के इसको थोड़ा बहुत ही सही कर लूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैं फॉर्म गैलरी ओपन करूँगा, क्वेश्चन मार्क को जैसे ही मैंने लिया एंड देन इसको यहाँ पे रख दूँगा। एंड इसमें मैं इरेज कलर का कुछ लगा देता हूँ, थोड़ा बहुत ही इरेज हो जाएगा। एंड ये तो पूरा ही इरेज हो गया भाई, थोड़ा सा मैं इसको ओके तो ऊपर नीचे करके देख सकते हो कि अभी क्वेश्चन मार्क दिख भी रहा है और उसका पीछे का इरेज भी हो चुका है। तो अब मैं इसको यहाँ पे बीच में लगा देता हूँ, उसको थोड़ा ये एडजस्ट करके आप अपने हिसाब से लगा सकते हो अपने लकी ब्लॉक के हिसाब से। जैसे ही आप लोगों को लगे कि बिल्कुल परफेक्ट है, आप लोग ऊपर पे सेव का आइकन है, सेव एज इमेज कर सकते हो एंड पूरा इमेज सेव कर देना है। देन में आता है मेन पार्ट, इसको आप लोग को ZRC में ओपन करना है। देन आप लोग को एंड्रॉयड में जाके माइनक्राफ्ट की डायरेक्टरी में जाना है। अगर आपकी डायरेक्टरी ऐसे जैसे मैं अभी डायरेक्टरी खोली नहीं है, खोलता हूँ मेरी डायरेक्टरी खुल जाती है, बट अगर आप लोग की नहीं खुल रही तो उसका मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताता हूँ कैसे कर सकते। जैसे कि मैं कोई डायरेक्टली ले रहा हूँ, ये वाली डायरेक्टरी मेरे से खुल नहीं रही, समझ लो ये देखो नहीं खुल रही है। ये वाला बोल रहा है कि प्राइवेसी के लिए आप नहीं खोल सकते। आप लोग को करना कुछ नहीं है, आप लोग को जो है ना अपनी सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में आप लोग को ऐप सर्च करना है अपनी मेन सेटिंग्स के अंदर। ऐप के अंदर जाने के बाद उसमें मैनेज ऐप पे क्लिक करना है, मैनेज ऐप पे सर्च करना है फाइल्स, फाइल्स आप लोग को सर्च करना है ना, आप लोग को मिल जाएगा। एक सेकेंड इसमें लोडिंग ले रहा है, मैं वापस से कट करके वापस से सर्च करता हूँ कि लोडिंग हो चुका है। फाइल्स सर्च करना है FILES सही तो लिख रहा हूँ। ओके फाइल्स मिल जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे अनस्टॉल अपडेट्स नीचे दिख रहा होगा, अनस्टॉल अपडेट्स, इस पर अनस्टॉल अपडेट्स कर देना है। एंड अब आप जो भी डायरेक्टरी खोलना चाहो खोल सकते हो अभी के लिए, बाद में आप लोग को वापस से वही करना पड़ेगा। मतलब कि
जो डायरेक्टरी आपने पहले खोल ली वो तो हमेशा के लिए खुली रहेगी, बट अगर आप लोग को बाद में भी कोई डायरेक्टरी खोलनी है तो वापस से इंस्टॉल अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अपनी माइनक्राफ्ट की डायरेक्टरी देख सकते हो, ये वाली डायरेक्टरी जो नहीं खुल रही थी अभी खुल रही है, ठीक है। आप लोग को ये सब चीज़ें कट कर देनी है, ठीक है। और सर्च के बटन में जाके सर्च कर रहा है पिक्सल लैब, और आपने जो पिक्चर सेव की थी वो पिक्चर को आप लोग को यहाँ से कॉपी कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो पिक्सल लैब आ चुका है। अब मैं यहाँ पे डेट से और डिसेंडिंग कर देता हूँ तो आप लोग को पहली इमेज मिल जाएगी जो कि आपने सेव की। यहाँ पे कॉपी कर देना एंड आप लोग यहाँ पे जाना अपनी डायरेक्टरी में वापस से। एंड डायरेक्टरी में जैसे ही आप लोग जाओगे आप लोग को जो है डाटा के अंदर जाना है, डायरेक्टरी में चले गए हम लोग एंड फाइल्स में जाना है, गेम्स के अंदर com.mojang रिसोर्स पैक्स के अंदर। एंड देन यहाँ पे अपनों को पैक ढूंढना है वाला, पैक का नाम कहाँ गया, ये रहा पैक। इस पर आप लोग को ब्लॉक्स में जाना है, ब्लॉक्स के अंदर जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे अपना पिक्चर पेस्ट कर देना है, ठीक है। पिक्चर को आप लोग पेस्ट कर दोगे, अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, आप लोग को एक ब्लॉक से रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे मेरे को नेदरराइट ब्लॉक को रिप्लेस करना है अपने PNG से, मतलब अपने फोटो से नेदरराइट, जैसे नेदरराइट ब्लॉक को लकी ब्लॉक प्लेस करूँ मेरा फोटो देखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसका रीनेम कॉपी कर दूंगा, इसका नेम कॉपी कर दूंगा। ऐसे आप लोग जनरल टेक्सचर पैक भी बना सकते हो, और ऐसे ही आप लोग और यूट्यूबर को भी ऐड कर सकते हो, अपने दोस्त लोग को भी, अपने दोस्त लोग की भी पिक्चर ऐड कर सकते हो, किसी की भी पिक्चर ऐड कर सकते हो। बस आप लोग को उस ब्लॉक का नाम लेना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। आप लोग का अपना ओन लकी ब्लॉक बन जाएगा। ऐसे करके आप लोग बहुत सारे लकी ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो और अपने टाइप के मॉड खेल सकते हो। तो आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखने वाला हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।